नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, यानी कि चंडीगढ़ JBT टीचर की भर्ती आ गई है और जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। टोटल 293 पोस्ट है। पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन इसको देखना, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें जरूर बताएंगे सारी की सारी। तो इसके अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे भाई, वो होंगे 20 जुलाई से और लास्ट डेट होगी इसकी 14 अगस्त। बाकी एडवर्टीजमेंट के अंदर देख लेते हैं क्या क्या पूरी की पूरी अपडेट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये देखो भाई, 30 जून को पब्लिश हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका 1/2023, ठीक है। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो फीस डिपॉजिट की 3 दिन बाद तक का टाइम दिया गया है, 17 अगस्त तक दिया गया है। लेकिन वो टाइम देखना, टाइम ड्यूरेशन आपकी 2 PM तक है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वही आप लोगों के सामने ये लिंक दे रखा है, अभी एक्टिव नहीं हुआ है, ये लिंक एक्टिव हो जाएगा 20 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, टोटल पोस्ट जो है जनरल की आपकी कितनी वैकेंसी रहेंगी इसके अंदर। तो जनरल की टोटल रहेंगी इसके अंदर 149 वैकेंसी, OBC के लिए 56, SC की 59 और EWS की रहेंगी इसके अंदर 29। तो टोटल 293 पोस्ट रहेंगे जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है PWD और ESM का, एक्स सर्विसमैन का, और जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं तो उनके लिए जो आपका रहेगा 12, ठीक है। तो अलग अलग दिखा रखी हैं। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं भाई, जो रिजर्वेशन की कैटेगरी का है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सारी सारी बता दूंगा। पे स्केल जो इसके अंदर 4200 पे ग्रेड रहेगा भाई इसके अंदर, 93 से 34, 800, ठीक है। तो ये इनकी 4200 पे ग्रेड की जॉब है। दूसरी बात, अब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या चाहिए आप लोगों को। तो भाई आप लोगों के पास एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप लोगों के पास होना चाहिए JBT का, यानी कि DED का या DLED का जो है अपना डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल से कम कोई भी डिप्लोमा है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं, वो माना नहीं जाएगा, यानी कि 2 साल का जो है ड्यूरेशन होगा तो वो आप लोगों के लिए माना जाएगा। उसके बाद देखो, ग्रेजुएशन या फिर इसके साथ एक और कंडीशन दे रखी है भाई, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपके पास दूसरी कंडीशन, यानी कि जो BEd वाले हैं, TGT वाले हैं, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। TGT वाले भाई, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर कहा गया है भाई, इसके अंदर भाई आपके पास CTET जो है क्वालिफाई होना चाहिए, जो NCTE की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। अब उसके बाद देखो, आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए भाई, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहेगा आपका 150 नंबर का जो होगा रिटर्न एग्ज़ाम होगा भाई, और रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर 150 मार्क्स के अंदर जो आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और टोटल मार्क्स भी आपके 150 रहेंगे और टाइम रहेगा आपका 150 मिनट, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट का टाइम होगा और इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा भाई, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। और इसको पास करने के लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, वो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो सब्जेक्ट जो होंगे आपके वो होंगे 11 सब्जेक्ट होंगे, टोटल 11 सब्जेक्ट की बात करें तो 15 नंबर के आएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन जी यानी कि जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर GK और करंट अफेयर सारी चीज़ें आ जाती हैं, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी, 15 नंबर का मैथ आ जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा भाई 15 नंबर का, और 15 नंबर का ICT कह सकते हो आप, कंप्यूटर ही होता है एक किस्म से, ये आपका ICT यानी कि कंप्यूटर होगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये 10 10 10 के जो 3 पोर्शन आ गए, ये आ गए भाई टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन का, या फिर आपके पास हिंदी लैंग्वेज है या फिर आपके पास पंजाबी लैंग्वेज है। तो इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज जो चूज करोगे आप, उनमें से आपकी आप कोई भी एक वो कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे नीचे है आपका 15 क्वेश्चन जो आपके मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस। तो इस तरीके से ये 15 15 के पोर्शन ये हो गए, तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे, 150 नंबर बनेंगे। तो इस तरीके से आपका क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है भाई। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नोट देखें यहाँ पे भाई, जो डिफ़िकल्टी वगैरह है चलो इनको छोड़ देते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर की पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है इसके अंदर। एक तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है और फीस डिपॉजिट कर देता है, तो पहला काम तो हो गया ये। दूसरा उसके बाद क्या है भाई, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के अंदर आपके पास 40% क्राइटेरिया चाहिए और उसकी जो रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर जो कंडीशन रहेगी आप लोगों की, वो मेरिट बेस होती है, आप लोगों को पता ही है। जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके आंसर की जो अपलोड की जाएगी वेबसाइट के ऊपर, और ऑब्जेक्शन के लिए भी इसके लिए कैंडिडेट के पास शेड्यूल डाला जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स जितने भी ऑब्टेंड किए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के अंदर, वो अपलोड भी किए जाएंगे वेबसाइट के ऊपर भी, किस कैंडिडेट ने कितने मार्क्स लिए हैं। उसके बाद अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके सेम मार्क्स होते हैं रिटर्न टेस्ट के अंदर, तो फिर उनके डिप्लोमा जो होगा DED है या BED है, उनमें से जो भी हायर रैंकर होगा और उनके अंदर हायर मार्क्स होंगे तो उसी को प्रीफ्रेंस दी जाएगी। किसी के पास दोनों भी हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है तो उन
दोनों में से जिसके पास ज़्यादा होंगी तो उसी को मार्क दी जाएंगी। अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट यहाँ भी सेम रैंक ले लेता है तो उसके अंदर जो एज फैक्टर होगा भाई एज किसकी ज़्यादा है तो फिर उसको वहाँ पर प्रीफ्रेंस दी जाएगी। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी बेसिक ऑफ रिटन टेस्ट के ऊपर होगी और उसको अपलोड किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर कैंडिडेट जो है स्क्रूटनी के लिए बुलाए जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ चेकिंग के लिए। उसके बाद जो है कैंडिडेट है और उसके बाद डेढ़ गुना कैंडिडेट जो होते हैं जो स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहाँ पे जाएंगे। अगर मान के चलो टोटल 293 पोस्ट है, 293 यानी कि मान के चलो 300 है और 300 का मोटा मोटी 450 के आसपास कैंडिडेट बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट जो होगी फिर वो आपकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों का जो कंडीशन एलिजिबिलिटी कंडीशन है और ICT जो स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों का जो है चेक किया जाएगा, उसकी भी चेकिंग की जाएगी। ICT का मतलब वही है जो आपका एक सब्जेक्ट है, ICT कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, आपका इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो एज कौन है, कौन कौन भर सकता है, 21 से 37 साल के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं और वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट होती है, जैसे SC की 5 साल होती है, BC की 3 साल होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग कैटेगरी की आपकी छूट रहती है, ठीक है भाई। और जो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके अंदर क्या होगा, आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे और ये लिंक है आपका, और 14 तारीख को आपका क्या हो जाएगा भैया फीस जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो और 17 तारीख तक फीस सबमिट कर सकते हो। और जो इसकी फीस रहने वाली एप्लीकेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल फीस होगी, 1000 रुपये रहने वाली है और 500 रुपये SC कैंडिडेट की रहने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। उसके बाद मोटा मोटी आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप मुझे वो क्वेरी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो सिलेबस के लिए, और बाकी एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी तो उसके अंदर सारी चीज़ें हो जाएंगी,